पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला हमीरपुर में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला उपायुक्त हरकेश मीणा के द्वारा की गई। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक शिमला के प्रभारी महाप्रबंधक केसी आनंद, अंचल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक शिमला की रीता कौल, भारत संचार निगम लिमिटेड हमीरपुर के महाप्रबंधक विपिन मौर्य, एलडीएम हमीरपुर जीसी बट्टी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला हमीरपुर में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला उपायुक्त हरकेश मीणा द्वारा की गई। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक शिमला के प्रभारी महाप्रबंधक केसी आनंद, अंचल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक शिमला की रीता कौल, भारत संचार निगम लिमिटेड हमीरपुर के महाप्रबंधक विपिन मौर्य, भारत संचार निगम लिमिटेड हमीरपुर के उप महाप्रबंधक पीसी दीवान, मंडल प्रमुख हमीरपुर सिद्धार्थ मजूमदार, डीडीएम नावाड हमीरपुर सतपाल चौधरी, एलडीएम हमीरपुर जीसी बट्टी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति, राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों और आरबीआई आदि सहित हितधारकों के सहयोग के साथ अगले एक वर्ष की अवधि में जिला हमीरपुर को 100% डिजिटल सक्षम बनाना है। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के प्रमुख कवरेज में प्रत्यक्ष लाभ, अंतरिम वित्तीय समावेशन जैसे सरकारी भुगतान शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त पंजाब नेशनल बैंक की शाखा कार्यालय नाल्टी और जंगल वैरी का नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है। नई शाखा परिसर का उद्घाटन अंचल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक शिमला की रीता कौल के द्वारा मंडल कार्यालय मंडल प्रमुख हमीरपुर सिद्धार्थ मजूमदार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। दोनों नए परिसर समस्त आधारभूत एवं तकनीकी सुविधाओं से युक्त है। इस अवसर पर संबंधित शाखा प्रमुख सहित अन्य स्टाफ एवं ग्राहक उपस्थित रहे। अंचल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक शिमला की रीता कौल ने कहा कि जिला हमीरपुर को डिजिटल बनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल के हेड ऑफिस से बैंक के कर्मचारी को बुलाया गया था, जिन्होंने हमीरपुर को डिजिटल बनाने को लेकर बैठक में उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया और इसमें सफलता प्राप्त करने हेतु रणनीति तैयार की गई और हमीरपुर को डिजिटल बनाने के फायदे और नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात कही। बैठक के दौरान जिला हमीरपुर हरकेश मीणा ने लोगों को आने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। आज हमने डिजिटल डिस्ट्रिक्ट जो हमीरपुर को बनाने का फैसला किया है उसके ऊपर आज हमने पहली मीटिंग रखी थी, जिसमें हमने सभी बैंकर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और ये मीटिंग हमारे डीसी साहब ने चेयर करी थी। उसमें हमारी आईटी टीम पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। हमारे हेड ऑफिस से भी हमने अपने अपने एक साथी को बुलाया था ताकि वो हमें आगे थोड़ा और हमारा मार्गदर्शन कर सकें कि हम कैसे इस जो हमने इनिशिएटिव लिया है उसमें हम कैसे जल्दी से सक्सेसफुल हों और कुछ ठोस रिजल्ट दिखा सकें। उन्होंने ये कहा कि हमें कस्टमर की अवेयरनेस करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि डिजिटल होने से क्या फ़ायदे हैं और ये भी बताना पड़ेगा कि उनको फ्रॉड ना हो या उनको कोई नुकसान ना हो उसके लिए क्या उनको कदम लेने चाहिए या कैसे उनको कॉशियस होना चाहिए उसके बारे में उनको अवेयर करना पड़ेगा। और यदि कोई नुकसान होता है तो उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या रहेगा उसके बारे में भी हमें एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करना होगा, जिसमें नाबार्ड भी हमारी मदद करेगा। और ये हम जो हमारे एलडीएम हैं यहाँ हमीरपुर के वो कोऑर्डिनेट करेंगे इसको ताकि एक साल के भीतर हम यहाँ पे पूरा डिजिटली कर दें। इसमें बीएसएनएल ने भी पूरा सहयोग देने का हमें आश्वासन दिया है कि वो हॉटस्पॉट लगा के डिस्ट्रिक्ट को वाईफाई फ्री कर देंगे, जिससे जो हमारे मर्चेंट्स हैं वो पॉस मशीन इजीली यूज़ कर सकेंगे, उनको अलग से कोई कनेक्टिविटी का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा जैसे बाहर देशों में होता है या फॉरेन में होता है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट वाईफाई अवेलेबल हो जाएगा तो आपको घर में कोई अलग से वाईफाई रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कि जहाँ ट्रांजैक्शन बेस्ड है उसमें एक मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर हो जाती है तो वो फ्री हो जाता है, तो जब हम डिजिटल प्रमोट करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नेचुरली इंक्रीज होंगे तो उससे वो ऑटोमेटिकली उनका फ्री हो जाएगा। दिस इज योर इंश्योरेंस मतलब, और एटीएम कार्ड होल्डर के इंश्योर नहीं होता मतलब आई एम आस्किंग दिस इज होता है कार्ड एक्टिव रहना चाहिए उसमें। मेरा पॉइंट ये है कि जब उसके कार्ड में पैसे पड़े हैं तो इज द एक्टिव
उसको हमने लिंक कर दिया। और ऐसे पॉइंट ये है कि जो डिफरेंस होता है ना, कई बार होता है कि 5 रुपए नहीं कटा है जी, 12 रुपए नहीं कटा है, इस कारण उसका वो इंश्योरेंस में नहीं है, वो 12 रुपए कटवा लेता तो उसको 2 लाख मिल जाते, वो इंश्योरेंस में आ जाते। ये बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम लोग या तो हिडनली, मतलब अब वो कम से कम 20 लोग ऐसे मेरे पास आ गए, अब मैं ठगा ठगा फील करता हूँ यार, ये था भी एजुकेट भी करना, ये सारी चीजें है जो आई थिंक। और इनफैक्ट जब उसने 4 लाख या 5 लाख का लोन लिया पीछे फैमिली, जैसे हम लोग भी कुछ बिजनेस करते हैं, कोई इनको इंश्योर करते हैं, उसमें जाने का है कि रुपए कार्ड इसको यूज करते रहना, हर महीने जाके बैंक में मतलब 10-100 रुपए निकालना, तुम इंश्योर हो जाओगे। दैट इज गैप है जिसको बोलते हैं। और गाँव वाले को सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो हम लोग भी ITR फाइल करते हैं तो अपना पैन कार्ड कब यूज करते हैं, साल में एक बार कि भाई ये लॉगिन होगा आपका पैन कार्ड और इसको फिर वो पासवर्ड डाल के, तो हमें क्या ऐसे बोलते हो कि आप लोग का ये इनएक्टिव है। सिमिलर थिंग रुपए कार्ड या वॉट एवर ATM कार्ड जो है, अगर उसने 6 महीने या 3 महीने या उसको नहीं यूज किया, हम सिंपल स्टेटमेंट यूज करते हैं कि यार आपका इंश्योरेंस नहीं होगा, आपका इनएक्टिव है, मतलब आधा इसका हमारा आयुष्मान कार्ड और डिफरेंट इनमें आ रही है बट वहाँ एड्रेस कर दी है, यहाँ एड्रेस नहीं है। और हमें इतना बुरा लगता है यार, अब कहाँ से देखिए वो फैमिली,